हेलो, वेलकम टू जीके इंडिया वीडियो ट्यूटोरियल्स। हम आपका अपनी वेबसाइट gkindiavideos.com की तरफ से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं जो जीके इंडिया से रिलेटेड हैं, जीके वर्ड से रिलेटेड हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और होप करता हूँ कि आने वाले कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स लाइक कि IAS, PCS, SSC, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर देखिए, हमारे लेक्चर को ज़रूर सुनिए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिवर को बंगाल सोरो के नाम से जाना जाता है या बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि दामोदर रिवर जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है उसे बंगाल सोरो या बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह रिवर बंगाल में फ्लड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी इस रिवर में अक्सर फ्लड्स आते हैं और काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है, इसलिए इस रिवर को बंगाल का सोरो कहते हैं, यानी बंगाल का शोक कहते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडियन फ्लैग यानी कि भारतीय तिरंगे में ब्रेथ और लेंथ की क्या रेशो है, यानी चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है? दोस्तों, हमारे भारतीय तिरंगे में जो ब्रेथ और लेंथ यानी कि चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, सो इस रेशो को हमें याद रखना है। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व भर में सबसे पुराना रिलीजन यानी कि धर्म कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि हिंदू रिलीजन यानी कि हिंदू धर्म पूरे विश्व भर में सबसे पुराना धर्म है। दोस्तों, आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑर्गेनाइज यानी कि पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का पांचवा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो ये क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर है कि भारत में सबसे प्रेस्टिजियस यानी कि इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिटी को भारत का सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कि राजस्थान की एक सिटी जो कि काफ़ी अच्छा शहर है, जोधपुर, काफ़ी फेमस सिटी है, उसे सन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे सन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वेदर है वो पूरा साल सनी वेदर यानी ब्राइट सनी वेदर रहता है, इसलिए इसे सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें जोधपुर में जो पुराना सिटी है उसमें जो हाउसेज हैं वो ब्लू कलर से पेंट किए हुए हैं, तो इसे ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि किस रिवर को साउथ इंडिया की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कि गोदावरी नदी जो कि साउथ इंडिया में फ्लो करती है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, उसे साउथ इंडिया की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीनस प्लेनेट यानी कि शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टार जो प्लेनेट है ये शाम को काफ़ी ज़्यादा चमकता है, एक स्टार की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग भारत के किस सिटी में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर सिटी में स्थित है। जलियांवाला बाग में 1913 ईस्वी में एक जनरल डायर के ऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, तो ये जलियांवाला बाग अमृतसर सिटी में स्थित है।
तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री के लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग माने गए हैं। दोस्तों इसका आंसर है कि जापान कंट्री के लोग पूरे विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग माने गए हैं और अपने हार्ड वर्क के लिए काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि वो अपना काम खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशिया की करेंसी का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि रशिया की करेंसी का नाम है रूबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एजुकेटेड वुमेन की कितनी परसेंटेज है, यानी कि वुमेन लिटरेसी रेट कितनी है। दोस्तों 2011 के सेंसिस के मुताबिक भारत में जो एजुकेटेड वुमेन है उनकी परसेंटेज है 54%, यानी कि 54% वुमेन एजुकेटेड हैं 2011 के सेंसिस के अनुसार। तो आज का 13th क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि ह्यूमन राइट्स डे 10th दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आज का 14th क्वेश्चन है कि जो नेशनल एंथम है भारत का, उसको प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम कहाँ पे गाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर है कि कैलकटा सिटी में 1911 ईस्वी में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था तो नेशनल एंथम को फर्स्ट टाइम गाया गया था। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि किस कंट्री की पॉपुलेशन विश्व भर में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि चाइना की पॉपुलेशन विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, भारत का नंबर सेकंड नंबर पर है, यानी कि भारत की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पर है विश्व भर में। विश्व का सबसे छोटा सिटी है वेटिकन सिटी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।